तो हाय गाइस, पूरा का पूरा पानी भर गया देखो भाई। रात को इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, बता नहीं सकते भाई। नोएडा में भी इतनी बारिश हो रही है, बताओ। हरे भरे बादल नहीं, सॉरी, हरे भरे पेड़ है, पूरे पेड़ धुल गए भाई धूल में। कीचड़ कीचड़ हो रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। मगर मैं आया था खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे को बनाने का मन नहीं करता और मैं परांठे खाता हूँ। एक भैया यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परांठे बनाते हैं भाई, कसम से। और ये मटर डेरी है, यहाँ से हम पियेंगे लस्सी बाद में थोड़ी देर में, सफल वफल के पास, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पहुँचा और देखा यहाँ तो ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई है, पहले से ही लोग खा रहे हैं यहाँ पर बहुत। और मैंने बोल दिया भैया को अपना दो परांठा करने के लिए, तो बस ये करने के बाद हमारा भी परांठा तैयार हो जाएगा। वैसे बहुत ही बढ़िया परांठे हैं, मतलब कि ब्रेकफास्ट के लिए आ गए मेरे परांठे भी। चलो टेस्ट करते हैं कैसा लगा। खाने बहुत मस्त लग रहा भाई, बहुत गर्म है भाई, उठाया नहीं, तोड़ा भी नहीं जा रहा, उठाना उठाया जा रहा, बहुत गर्म है। अभी अभी तवे से निकाल के दिया है, चलो टेस्ट करके बता दो कैसा लगा भाई। कसम से पकड़ा भी नहीं जा रहा, इतना गर्म है। ये मैंने उठाया और ये मेरे सीधा निवाले में। हाँ तो भाइयों, कुलचे वुलचे परांठे परांठे खा लिए, अब हम पियेंगे लस्सी जो कि मैंने ले लिया लस्सी मर डेरी की। इसे खत्म करते हैं और फिर सोते हैं दोबारा चेक पैक करके। तो हाय गाइस, आ गए हैं फिर दोबारा वीडियो लेके। खाना वाना खा लिया था मैंने, लस्सी भी पी ली थी, मगर थोड़ी देर रूम में बैठ के ऐसा लगा कि यार कुछ मिसिंग सा हो रहा है। मिसिंग क्या हो रहा है, घूमना फिरना। आज मैं गाड़ी लेके क्या नाम है ऑफिस नहीं गया ना, तो ऐसा लग रहा है गाड़ी लेके थोड़ा सा घूमू, थोड़ा इधर उधर टहलू। और कुछ काम वाम करवाना था गाड़ी में, पेट्रोल वेट्रोल डलवाना था थोड़ा सा, क्या नाम है, वाइपर वाइपर लगवा के इसको साफ करवा देते। गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी बहुत दिनों से, लेकिन अगर मेरी जगह आरुष और क्या नाम है लैला होते भाई, वो मार देते यार, बिल्कुल मार देते। चल बे, डर मार रखा है क्या किसी का। गाइस मैं आ गया वापस पेट्रोल भरवा के, क्योंकि क्या नाम है गाड़ी मैंने इसलिए नहीं धुलवाई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी यार। वो बंदा बहुत बिजी है यार, गाड़ी साफ करने वाला भी बताओ, उसके पास काम है और हमारे पास कुछ काम ही नहीं है आज, क्या यार। चलो अब दुकान पे आ गया हूँ, लेते हैं कुछ खाने पाने, मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, पीने के लिए ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, ठीक है। खाने के लिए लेते हैं कुछ चिप्स नमकीन वगैरह, मूवी देखेंगे बैठ के आराम से, आज छुट्टे का एंजॉय करेंगे मस्त। आपने वो वाली मूवी नहीं देखी ना, काल की है ऐसा कुछ है मूवी का नाम, नई मूवी आई वो देखें। हेलो गाइस, खाने पीने का सामान ले लिया, चलो अब चलते हैं रूम पर और मस्त मूवी देखेंगे। काल की भीष्म पितामह के ऊपर ये मूवी है, मतलब करण अर्जुन भी होंगे उसमें, ऑब्वियसली बात है भीष्म पितामह है तो करण अर्जुन भी होंगे। लेट्स सी, देखते हैं अपना इतिहास फिर से दोबारा नए तरीके से कैसे बना। ओए भैंस की आगे देख रहे हो, मकड़ी गायज, मकड़ी मकड़ी कहाँ से आ गई है, मारो उसको, मार दी, सॉरी भगवान जी माफ कर देना, मकड़ी मार दी मैंने। और देखते हैं भाई, लास्ट टाइम जिसने भी वो बनाई थी ना, नहीं थी प्रभास की, अरे जिसमें वो राम बना था लक्ष्मण, और वो कितनी मूवी थी वो, कसम से भाई उन्होंने हनुमान जी की ना भाई ऐसी ना भाई, कसम से लिटरली गाली देने का मन करता है। लोग ऐसी ऐसी मूवी बनाते हैं, हनुमान जी का इतना फनी कैरेक्टर दिखाया उसमें, और राक्षस रावण भाई, दो कोड़ी का रावण कर, चलो ठीक है ले भी लिया था, चलो ठीक है काम भी तो उसने वैसे ही किया। हाँ जी भाई जी, ठीक है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लिए तैयार भी। अरे अंकल जी व्लॉगिंग कर रही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही इतना पसीना आ रहा है यार। चलो कोई नहीं, मैं मूवी एंजॉय करूंगा, काम वाम हुआ नहीं,
भाई यार, मगर ये वैसी मूवी ना हो जैसी वो क्या नाम है, जैसे वो एक मूवी बनाई थी ना भाई, क्या नाम है उसमें, वो था बंदा अपना प्रभास जी भाई, इतनी बढ़िया मूवी करते हैं वो, पता नहीं कहाँ किसने ऑफर दे दिया उसको और उसने एक्सेप्ट कर लिया ये राम जी का रोल। राम जी का रोल एक्सेप्ट करो भाई, मना नहीं है, लेकिन भाई स्क्रिप्ट तो पढ़ लो एक बारी, कैसी मूवी है कैसी नहीं है, फनी है क्या है भाई, कुछ भी दिखा देते हैं लोग यार। मगर ये एक ही क्या नाम है, वो जो मूवी थी ना भाई, महाचाटू मूवी थी, महाचाटू जिसने भी देखी ना भाई सबको पता होगा भाई, ऐसा फनी करेक्टर था ही नहीं हमारे हनुमान जी का जैसे दिखाया उसमें। हनुमान जी तो भाई बिल्कुल एकदम पावरफुल इंसान है और वो मूवी दिखा रहे हैं इतना फनी टाइप का, और उसमें देखो सैफ अली खान का कितना बढ़िया रोल है, हैं 3D एनिमी एकदम 10 सीट दिखा दिए उसके हमारे हनुमान जी को, वह आँख। उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बस मेरे को मूवी का नाम याद आएगा तो बताऊंगा। मूवी का नाम था पता नहीं याद, राम जी के ऊपर थी बस इतना पता, बस ये वैसी मूवी नहीं होनी चाहिए। ठीक है देखते हैं फिर उसके बाद आपको रिव्यू देता हूँ कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अरे अरे कुछ नहीं, गाड़ी में तो मेन सामान था अपने लिए, खाने पीने के लिए लेके आया तो गाड़ी में रह गया था, फिर दोबारा नीचे गया फिर लेके आया। ठीक है